हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मर्स मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मोनल लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और DNC एक्ट 1940। सो अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा दे, मैं सी यूट के लिए लाते रहते हो। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर आप मैं आपसे बातें करता हूँ, वहाँ पर आपको नए नए अपडेट मिलते हैं, वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियो भी देता रहता हूँ। सो आज अगर फॉलो करना मत भूलना, पर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या है। ऑब्जेक्टिव से टू रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंस। मतलब जो भी ड्रग और कॉस्मेटिक है उनका इम्पोर्ट, मतलब जैसे कि और दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में अलग अलग ड्रग कॉस्मेटिक इम्पोर्ट करना, या अलग अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारे देश में जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है ऑल कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके साथ उसका सेलिंग करना, ये सब कुछ लाइसेंसिंग के थ्रू मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए DNC एक्ट बनाया गया है। मतलब जो भी इम्पोर्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेल होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, तो लाइसेंस के थ्रू होना चाहिए। ये लाइसेंसिंग के थ्रू उसको सबको रेगुलेट करना इसको ऑब्जेक्टिव है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली, मतलब ये सब कुछ तो लाइसेंस के थ्रू ही आपको रेगुलेट करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग। उसके साथ साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सेल हो रहा है तो वो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए। कोई भी लोग अगर मेडिकल शॉप में कोई भी 10वीं 12वीं फेल या पास लोग अगर काम करेंगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए वहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन ही ओनली होना चाहिए। जैसे कि मेडिकल शॉप में फार्मासिस्ट होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो भी पोस्ट के रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार क्वालिफाइड पर्सन ही वहाँ पर काम करना चाहिए। ये सब इसलिए क्या बना गया, DNC एक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल सिर्फ किसके हाथों से होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू। सो आगे क्या है, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग। तो सब स्टैंडर्ड ड्रग मतलब क्या है, आपको पता है क्या? तो सब स्टैंडर्ड ड्रग मतलब क्या होता है कि अगर 100% उसके इफेक्टिवनेस या 100% अगर ड्रग है तो उसमें उसकी जो भी क्वालिटी हो, अगर 100% ना देखकर 70%, 80%, 50%, मतलब उसकी जो भी आइडियल क्वालिटी है उसमें वो 100% नहीं देना या उसकी जो भी आइडियल क्वालिटी है उसको मीट नहीं करना, मतलब वो क्या होता है, सब स्टैंडर्ड ड्रग। मतलब जैसे कि हम सिंपल भाषा में देखते हैं, मतलब 100% एफिकेसी वाले ड्रग नहीं और लो क्वालिटी वाले ड्रग, ये सभी उसको प्रिवेंट करना इसका काम है और उसका ऑब्जेक्टिव है। तो फोर्थ, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। उसके साथ साथ मतलब जो भी आयुर्वेदिक ड्रग है, सिद्धा ड्रग है और यूनानी ड्रग है, ये भी DNC एक्ट के थ्रू रेगुलेट करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेल करना DNC के एक्ट थ्रू होता है, उसके रेगुलेट के लिए एक्ट है। उसके साथ साथ टू एस्टेब्लिश द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTA भी आपको पता ही होगा, इसको एस्टेब्लिशमेंट भी DNC एक्ट के थ्रू होती है। एंड उसके साथ साथ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DCC मतलब जो भी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है वो भी इसके थ्रू एस्टेब्लिश होती है फॉर एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब किसके लिए, एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए। सो ये दोनों भी जो भी DTA भी है और ड्रग कंसल्टेटिव है कमेटी, इस पर भी हम वीडियो दे देंगे। सो आपको चाहिए होगा जल्दी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सो फिर एक बार देखते हैं शॉर्ट में क्या है। ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। मतलब जो भी इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग है किसके थ्रू होना चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का लाइसेंस के थ्रू। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन नहीं करना चाहिए, कोई अदर पर्सन ने नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट सबस्टैंडर्ड ड्रग मतलब जो भी गलत और लो क्वालिटी ड्रग्स है और सबस्टैंडर्ड ड्रग्स है उसको प्रिवेंशन करने के लिए है। उसके साथ साथ टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा इम्यूनिटी सिस्टम का जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल रेगुलेट करना है। उसके साथ साथ लास्ट में क्या है, DTA भी मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को इस्टेब्लिश करना है और DCC मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी किसके लिए, एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक।
सो ओवरऑल ये रहा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आई होप आपको समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा, और इस वीडियो को हर अपने दोस्त के साथ शेयर करना जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।